दोस्तों, आज हम जिस चीज़ के बारे में आपको बताने वाले हैं, इसको खाने से शरीर को कई तरह के लाभ मिलते हैं। इसका इस्तेमाल खाने का स्वाद को बढ़ाने में किया जाता है और यह सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको खाने से कई तरह की बीमारियां मिनटों में गायब हो जाती हैं और कई तरह की आयुर्वेदिक दवा बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम केसर की बात कर रहे हैं। केसर का रंग गहरा संतरी होता है और जब इसे पानी में डाला जाता है तो इसका रंग गहरा पीला हो जाता है। इसके फ़ायदों की बात करें तो इसके फ़ायदों के बेहद कम लोगों को जानकारी है। तो ये जानते हैं इसको खाने से शरीर को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। पेट के लिए केसर को बहुत फ़ायदेमंद माना गया है। इसको खाने से पेट से संबंधित परेशानी से निजात मिल जाती है। रात को सोने से पहले केसर वाला दूध पीने से गैस और कब्ज की समस्या दूर हो जाती है और पेट एकदम सही हो जाता है। इसलिए जिन लोगों को भी गैस या कब्ज की परेशानी हो, वो लोग केसर वाला दूध जरूर पिया करें। चोट के घाव को भरने में भी केसर बहुत कारगर साबित होता है। अगर इसे चोट के घाव पर लगाया जाए तो चोट का घाव जल्दी भर जाता है। चोट लगने पर आप बस थोड़ा सा केसर लेकर उसे पीस लें और उसे पानी मिलाकर इसका लेप तैयार करें, फिर इस लेप को घाव पर लगा लें। माथे पर केसर का लेप लगाने से दिमाग शांत होता है और तनाव से राहत मिलती है। इसलिए जो लोग अधिक तनाव में रहते हैं, वो लोग हफ्ते में एक बार केसर का जरूर लेप लगाया करें। केसर का दूध शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना गया है और केसर का दूध पीने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है। इसलिए जो लोग जल्दी थक जाते हैं, वो लोग रोज़ केसर वाला दूध पिया करें। केसर खाने से अनिद्रा की शिकायत एकदम दूर हो जाती है और अच्छे से नींद आती है। इसलिए जिन लोगों को भी नींद नहीं आती और वो लोग इसका सेवन करना शुरू कर दें, इसको खाने से उनको आरामदायक नींद आएगी। दोस्तों, कई रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि जो लोग केसर का सेवन किया करते हैं, उन लोगों की आंखों की रोशनी सही रहती है और उनकी नज़र कमज़ोर नहीं होती। वहीं जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है, अगर वो केसर का सेवन करते हैं तो उनकी नज़र बेहतर हो जाएगी। केसर मोतियाबिंद को भी दूर करने में सहायक है। आर्थराइटिस की समस्या होने पर आप केसर का सेवन शुरू कर दें। केसर को खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। इसके अलावा केसर खाने से मांसपेशियाँ मजबूत बनी रहती हैं। केसर को अगर माथे पर लगाया जाए तो सिर दर्द से तुरंत राहत मिल जाती है। सिर दर्द होने पर आप केसर और चंदन को एक मात्रा में लेकर इसका लेप बना लें, फिर इस लेप को अपने माथे पर लगाएं। इस लेप को लगाते ही आपका सिर दर्द एकदम से सही हो जाएगा। बुखार होने पर आप केसर वाला दूध पी लें। इस दूध को पीने से आपका बुखार एकदम सही हो जाएगा। दरअसल केसर के अंदर क्रोसिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो शरीर के तापमान को सही कर देता है। छोटे बच्चों को भी केसर का दूध पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि केसर के अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं और इस दूध को पीने से दिमाग तेज़ी से काम भी करता है। केसर को जायफल और लौंग के साथ मिलाकर एक लेप तैयार करें। इस लेप को नाक, माथे और छाती पर लगाएं। इस लेप को लगाते ही जुकाम दूर हो जाएगा और लेप के अलावा अगर केसर वाला दूध पिएं तो जुकाम बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है। पेट में कीड़े होने पर आप केसर को कपूर के साथ मिला दें, फिर इसका सेवन करें। इसे खाते ही पेट के कीड़े मर जाते हैं और कीड़े होने की समस्या से निजात मिल जाती है। दोस्तों, इसको कई प्रकार से खाया जा सकता है। आप चाहें तो केसर वाला दूध पी सकते हैं या फिर इसको खीर में डालकर खा सकते हैं। केसर का दूध बनाने के लिए आप एक गिलास दूध को गैस पर रख दें और दूध में चीनी डाल दें। जब यह दूध अच्छे से गर्म हो जाए तो आप इस दूध के अंदर थोड़ा सा केसर डालें। आपका केसर वाला दूध बनकर तैयार है। केसर के फायदे जानकर आप केसर खाना शुरू कर देंगे। इसको खाने से आपको कई प्रकार के रोगों से राहत मिल जाएगी। हालांकि आप केसर के फायदे के बाद इस बात का जरूर ध्यान रखें कि केसर की तस्वीर गर्म होती है, इसलिए आप अधिक मात्रा में केसर का सेवन ना करें। तो दोस्तों, ये थे केसर के फायदे। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेकर आते रहेंगे, तो जुड़े रहे रेमेडी अपडेट्स के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।